إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام سادات کرام مشائخ اعظام اساتین ملت بالخصوص شہزادے حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ شہزادے حضور تاج الشریعہ عزت مآب کرم گستر قائد ملت اسلامیہ حضرت بابرکت علامہ مولانا وبالفضل اولانا الحاج الشاہ محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ قادری، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. یا عظیم الشان اجلاس اور نور اعلی نور محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عالم اسلام کی اس پاکیزہ شخصیت کی یاد میں اسے منعقد کیا گیا ہے جس کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جانے والا کتنا عظیم تھا کہ آج ہندوستان کے جتنے اہل قلم سب کی توجہ کا مرکز وہی ایک ذات ہے. جتنے شعرا سب اسی کی مد ثنائی میں، سب اسی کی تعریف و توصیف میں رتب اللسان ہیں. منقبت لکھنے والے اسی ذات کی عظمت کا تذکرہ اپنے اشعار میں کر رہے ہیں. 40 دن ہونے کو ہیں لیکن شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ اس نیلگوں آسمان کے نیچے اور اس فرش گیتی پر اس عظیم اور ابقری شخصیت کا ذکر کسی نہ کسی گوشے میں نہ ہو رہا ہو. وہ جانے والا اتنا عظیم تھا، اتنا عظیم تھا کہ دنیا والوں کو دکھا دیا کہ دنیا سے جانے والا بادشاہ بھی مجھ جیسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس درمیان نہ جانے کتنی موتیں ہوئیں،
न जाने कितने लोग दुनिया से जा चुके, लेकिन न उनकी याद में लोगों के आंसू गिर रहे हैं, न उनके तज़किरे की महफिलें मुनाकिद हो रही हैं। एक ज़ात हुज़ूरे ताजुश्शरिया की हमें आज ऐसी नज़र आ रही है कि वो क्या गए कि जाने गुलिस्तां चली गई। वो हम सब के मुरब्बी थे, बादले रहमत थे, मुश्किलात में हम अहले इल्म का सहारा थे। शरई काउंसिल ऑफ इंडिया में जब नौजवान उलमा गर्मा गर्म बहस करके थक हार जाते तो हुजूर मुहद्दिसे कबीर उन सारी बहसों का खुलासा लेकर हुजूर ताजुश्शरिया की बारगाह में तशरीफ फरमा होते। सारी बहसों को सुनने के बाद चंद जुमलों में ऐसी गुफ्तगु फरमाते कि समंदर को कूजे में समो दिया करते थे। दो साल पहले उम्मते मुसलमा की एक मुश्किल को हल करने के लिए अल्लामा असजद रजा साहब किबला की निजामत में शरई काउंसिल ऑफ इंडिया बरेली शरीफ का सेमिनार हुआ। बेशुमार उलमाए किराम उसमें जलवा फरमा हुए। मसला यह दरपेश था कि बेशुमार जगहों पर तस्वीरें इस तरह से लटकी रहती हैं कि अगर आदमी नमाज पढ़ने के लिए जगह तलाशे तो मुश्किल है, जबकि फुकहाए किराम फरमाते हैं कि अगर नमाजी के सामने तस्वीर हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होती है। उलमा ने इस मसले को हल कर लिया, लेकिन एक गोशा और सामने आया कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में आज हाल यह है कि मस्जिदें बिलखुसूस जुमा और ईदैन के मौके पर पुर हो जाती हैं। लोग मुसल्ला लेकर रोड पर नमाज पढ़ने के लिए सफाई लगा देते हैं और उनके सामने अगर दुकान है तो दुकान पर बोर्ड में तस्वीर बनी होती है। अब वो बेचारे जो रोड पर सफाई लगाकर नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज का क्या हुक्म है? उलमाए किराम के दरमियान बहस जारी थी। थोड़ी देर के बाद ताजुश्शरिया जलवा फरमा होते हैं। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। वो जाने वाला तन्हा नहीं गया, एक अंजुमन लेकर चला गया। बुझा चराग वही जिसकी लौ कयामत थी। उस जाने वाले ने न जाने कितने मुश्किल मसाइल को अपने नाखूने तदब्बुर से मुश्किलों मिनटों में हल फरमा के दिया। हुज़ूर ताजुश्शरिया के सामने मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुल आलिया ने यह मसला रखा कि उन नमाजों का क्या होगा जो रोड पर लोग पढ़ लेते हैं और सामने दुकानों पर तस्वीरें लगी होती, उनको हटाना इनके बस में नहीं होता है। हुज़ूर ताजुश्शरिया ने बहसों को सुना, थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाया और इरशाद फरमाते हैं कि अगर खाशईन किसी नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी। एक जुमला ये ताजुश्शरिया ने इरशाद फरमाया, लेकिन शायद आप इसका मतलब ना समझ सके कि इस एक जुमले से ताजुश्शरिया ने आपकी कितनी बड़ी मुश्किल को हल फरमा दिया। फरमाते हैं कि अगर नमाजी ऐसा है कि वह अपनी निगाह को नमाज की हालत में इधर उधर नहीं करता है,
ऊपर नीचे नहीं ले जाता है, खुशू और खुजू के साथ नमाज की हालत में अपनी निगाह को नीची रखता है जो हुक्म है रखने का, तो अगर उसकी निगाह के दायरे के अंदर तस्वीर नहीं है तो उसकी नमाज हो जाए। एक जुमला इरशाद फरमाया और पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला हल फरमा दिया। ऐसी जामियत थी उनके कलाम में, ऐसी संजीदगी थी उनकी गुफ्तगू में, वही संदाज से इल्मी गुफ्तगू फरमाते थे कि बड़ा बड़ा दक्काक अपने आप को मानने वाला जब उनकी बारगाह में पहुंचता तो सामने वाले को कहना पड़ता हम हुए तुम हुए कि मीर हुए इनकी जुल्फों के सब असीर हुए। चंद साल पेशतर हजरते फारूक जमाल दक्काक, नारे तकबीर उनका लकब ही दक्काक, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मिस्र से उर्से आला हजरत में शिरकत करने के लिए जलवा फरमा सरकार हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर आमदे उर्स की तकरीब खत्म हुई, हुजूर ताजु शरिया अपनी काशाने मुबारक पर जलवा फरमा थे। प्रोफेसर फारूक जमाल दक्काक इजाजत लेने के लिए गए। ये जामे अजहर मिस्र के अजीम प्रोफेसर की हैसियत से जाने जाते हैं, इनका लकब है दक्काक, जिसको हम अपनी जबान में कह सकते हैं हिंदी की चिंदी करने वाली जात। मेरी आंखों ने खुद ये देखा कि जब ताजु शरिया से वो इजाजत लेने के लिए पहुंचे, हुजूरे ताजु शरिया ने उन्हें जाने की इजाजत दी तो फारूक जमाल दक्काक साहब ने सिर्फ मुसाफा ही नहीं किया, सिर्फ हाथों को ही नहीं चूमा, बल्कि ताजु शरिया के कदमों को भी उन्होंने बोसा दे दिया। वो जात थी ताजु शरिया की, होगा कोई और जिसका शेख शेखुल हिंद कहा जाता होगा, बिला शुभा ताजु शरिया सिर्फ शेखुल हिंद नहीं थे, वो शेखुल अरब भी थे, वो शेखुल अदब भी, बेशक हक, वो जानशीन मुफ्ती आजम हिंद भी थे, वारिसे उलूमे आला हजरत भी थे, वो अपने वक्त के इस जमाने में ऐसे बेताज बादशाह थे कि जिधर गुजर जाते थे लोग अपने कल्ब को उनके सामने तोहफे में पेश करने में फख्र महसूस करते थे। सुभान अल्लाह सुभान, वो आज हमारे दरमियान नहीं मगर उनकी प्यारी तालीम हमारे दरमियान है, उनका जलवा हमारी निगाहों के सामने है, उनकी तजल्ली अल्लामा असजद रजा की शक्ल में हमारी आंखों के सामने है, हम इनके जलवों को देखें। कल तक हुजूर मुहद्दिसे कबीर फरमाते थे कि अगर इस जमाने में आला हजरत के जलवे को देखना है तो ताजु शरिया को देखो। आप सब लोग ये दुआ करें कल वो दिन आए कि हम सब कहें अगर ताजु शरिया को देखना है तो अल्लामा असजद रजा को देख लिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान, रब्बे कदीर इन बुजुर्गों के फैज़ो बरकात से हम सबको माला माल फरमाए। हजरते वाला की रस्म सज्जादगी का अभी एक आलिशान मंजर आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे, हम भी उसके मुंतजिर हैं। हुजूर ताजु शरिया की तालीमात पर हम मजबूती से अमल करें, इंशाअल्लाह हुजूर ताजु शरिया का फैजान जैसे कल हम पर जारी था आज भी जारी रहेगा, इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक जारी रहेगा। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।